प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है ओमायरा एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का आपके इस जन्म की कुंडली के नीच ग्रहों के साथ संबंध बताऊंगी। आप में से किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य नीच का होकर बैठा है तो ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में अपने पिता का सम्मान नहीं किया। आपने कोई भी ऐसे इंसान जो कि आपके पिता की जगह थे उनका सम्मान नहीं किया। फिर आते हैं चंद्रमा पर। आप जिस किसी भी की भी कुंडली में चंद्रमा नीच का होकर बैठा है, यह दर्शाता है कि आपने अपने पिछले जन्म में अपनी माता का सम्मान नहीं किया, या फिर माता जैसी कोई भी और स्त्री का सम्मान नहीं किया। फिर आते हैं तीसरे ग्रह बुध पे। किसी की भी कुंडली में बुध नीच का है तो यह दर्शाता है कि उस इंसान ने अपने पूर्व जन्म में अपनी बुद्धि के बल से कुछ न कुछ अनैतिक और अनिष्ट कार्य किए हैं, इसीलिए इस जन्म में उसकी कुंडली में बुध ग्रह नीच का हुआ है। फिर आते हैं गुरु बृहस्पति पे। किसी की भी कुंडली में अगर गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह नीच का है तो यह दर्शाता है कि आपने अपने पिछले जन्मों में अपने पैसे का दुरुपयोग किया है, या फिर आपने अपने परिवारजनों को दुख पहुंचाया है। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। आप में से किसी की भी जन्म पत्रिका में अगर शुक्र ग्रह नीच का है तो यह दर्शाता है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में आप कोई भी स्त्री या स्त्री रूप का सम्मान नहीं किया, जैसे माँ, पत्नी, बहन, कोई भी लेडीज़ जो कि स्त्री है उसका सम्मान नहीं किया। फिर आते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह अगर नीच का हो तो यह दर्शाता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में कि अपने नौकर को, या फिर जो आपके घर पे काम करते हैं, या फिर जो आपसे निम्न स्तर के हैं समाज में, जो आपसे छोटे हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो आपसे कम कमाते हैं, उनका आदर नहीं किया, उनका अपमान किया और उनके साथ छल किया, यह सब ये दर्शाता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हमारे इस जन्म पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम जो भी पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं वे सब हमारे इस जन्म में उनका हमें फल भोगना पड़ता है। फल तो किसी भी कोई भी कर्म हो, अच्छा या बुरा, उसका आपको भोगना ही पड़ता है। तो हम आपकी जन्म पत्रिका से ये जान सकते हैं कि आपने किस प्रकार के बुरे कर्म किए हैं अपने पिछले जन्मों में, जिसका दंड आपको इस जन्म में मिल रहा है।